मम्मीज एंड डैडीज़, वेलकम टू माय चैनल मम एंड डैड। सो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर बेबी को कफ एंड कोल्ड हो जाए या सोर थ्रोट हो जाए तो हम उसमें क्या ऐसी होम रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे बेबी को रिलीफ मिल जाए, क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम भी नहीं चाहते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों में या छोटी छोटी बीमारियों में बेबी को मेडिसिन देनी पड़े। हम कोशिश करते हैं कि हम होम रेमेडी से ही काम चला लें। तो ऐसे आज मैं दो रेमेडीज़ आपको बताऊंगी जो आपके बेबी को कफ़ और कोल्ड में रिलीफ देगी, होपफुली, क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। रिसेंटली मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा कफ़ और कोल्ड हो गया था। 17 मंथ में टचवुड इतना कभी नहीं हुआ, बट इस बार जो उसका कफ़ एंड कोल्ड हुआ था उसमें हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मेरा बेबी भी बहुत परेशान हो गया था, वो रात में सो नहीं पा रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, और इसी कारण से मैंने इन रेमेडीज़ को ट्राई किया जो कई हद तक मेरे बेबी को हेल्प करी। तो चलिए पहले ये रेमेडीज़ देख लेते हैं, फिर एंड में करेंगे उससे जुड़ी कुछ बात। तो हमारी पहली रेमेडी के लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप मिल्क, छुआरा, सूखा छुआरा है, इसको मैंने अपने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और इसको मैंने वॉश भी किया है जिससे कि बेबी के लिए कोई इन्फेक्शन ना हो। मैंने इसमें थोड़ा सा टर्मरिक और थोड़ा सा केसर लिया है जिसको हम इन तीनों को साथ में बॉईल करेंगे। तो सबसे पहले हम पैन लेंगे और इसमें 1/2 कप मिल्क बॉईल करेंगे। जब मिल्क थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा तो हम उसमें ये छुआरा टर्मरिक और केसर को डाल देंगे और इसको बॉईल होने तक वेट करेंगे। ऐसा हो जाएगा एकदम, क्योंकि टर्मरिक, सैफ्रॉन सबका कलर, इसको हम थोड़ा सा और बॉईल करेंगे। जब ये इस तरह से बॉईल हो जाएगा सारे इंग्रेडिएंट्स बॉईल हो जाएंगे अच्छे से, तब हम इसको हमारी दूसरी कफ रेमेडी के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी केसर और 3-4 लौंग। इसे हम क्या करेंगे, ये छोटा सा मेरे पास जगह है जिस पे मैं बेबी के ऐसी मेडिसिन रब करती हूँ और उसका पेस्ट बनाती हूँ, तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और हमें इस लौंग और केसर को साथ में घिसना है जब तक इसका एक फाइन पेस्ट ना बन जाए। ये देखिए, अगर आप अपने बेबी को किसी तरीके से नहीं खिला पा रहे हैं केसर, तो आप ये कर सकते हो, आप ये चेस्ट में उसके और बैक में लगा सकते हो, इससे भी आपके बेबी को तुरंत रिलीफ मिलेगा कफ में। सो आप ये भी कर सकते हो अपने बेबी के साथ। ये देखिए, सो आपको ये पेस्ट मिलेगा जब आप इसे पूरा रब करोगे कि आप अपने बेबी के चेस्ट पे, बैक पे लगा सकते हो, इससे बेबी को तुरंत आराम मिलेगा।
सो ये दोनों रेमेडीज़ थी जो आपके बेबी को हेल्प कर सकती है उसके कफ़ और कोल्ड को कम करने में, क्योंकि जब आप पहली रेमेडी को अप्लाई करते हो बेबी के साथ तो उसका कफ मेल्ट होता है और वो पॉटी या उल्टी के थ्रू निकल जाएगा। फर्स्ट रेमेडी में आपको बेसिकली फ्रेश बना के देनी है, दो बार देनी है, तो आप कोशिश करो कि फ्रेश बना कर ही दो। दूसरी रेमेडी में आप उसे बना कर रख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। आप उसको रात में, नाइट में अप्लाई करो तो और ज़्यादा असर करेगी, क्योंकि रात में ही बहुत ज़्यादा खांसी या कफ परेशान करता है बच्चों को। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने रिसेंटली अपने बेबी के साथ किया, जो कहीं हद तक उसको हेल्प भी किया। सो अगर आपको भी ये हेल्प करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा मेरे नए वीडियो के अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।